इस वीडियो में हम जो साधारण ब्याज है मैथ में साधारण ब्याज की बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और आरआरबी की एलपी की तैयारी के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। और मैथ के ट्रिक्स के लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप केवल ट्रिक्स अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़ करके 5,700 रुपये हो जाते हैं, कितने में, एक वर्ष में। तो 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है, 5,000 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर 5,000 रुपये 5,700 हो जाते हैं तो हमें ब्याज मिलता है सिर्फ 700 रुपये का, कितने रुपए पर, 5,000 के रुपए पर, ठीक है। इसके परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 0 से तो 1 2 0 से 2 0 कट गए, 1 से 1 कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पर, 70/5, 14 × 5 = 70 होता है, इस 5 से 70 को काटेंगे तो 14%, यानी कि हमें जो रेट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 14%। 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद की बात आ रही है, तो 14% में अगर आप 5 वर्ष की बात करेंगे तो 14 × 5, ठीक है, तो 14 × 5 = 70, यानी कि हमें जो ब्याज के तौर पर मिलेगा वो 70% मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100% दे रखा है, यानी कि 7,000 का निकालना है आपको, कितना दे रखा है, 7,000 100%, लेकिन हमें निकालना कितना परसेंट है, फिर 170%, कितना निकालना है, 170%। तो 170% निकालने के लिए क्या करेंगे, 7,000 में 170 की क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या कर देंगे हम 100, ठीक है। इससे इसको 2 0 से 2 0 काट देंगे, अब सॉल्व करेंगे, 00 ऐसे ही, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 4, 7 × 7 = 4 = 11, तो ये हो जाएगा 11,900 रुपये हो जाएंगे आपके 5 वर्षों के बाद 7,000 रुपये का, 11,900। तो इसका मतलब आंसर आपका वी जो है वो बिल्कुल राइट होगा, आंसर नंबर वी आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा, यानी कि 2500 रुपये का 8% से, तो ब्याज निकाल लीजिएगा सबसे पहले, कितना निकालना है हमें ब्याज, तो 2500 का 8% अगर आप निकालोगे तो 2500 × 8 = कितना दोस्तों, 100, 100 से 2500 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिएगा, 25 × 8 = 200, 200 रुपये आएगा, एक साल का ब्याज कितना हो जाता है, 200 रुपये, और आपको 2500 को 3300 बनाना है, तो ब्याज चाहिए कितना, 3300 में से आप सिंपल क्या करेंगे, 2500 को माइनस कर देंगे, तो ब्याज चाहिए हमें सिंपल यहाँ पर 800 रुपये, 800 रुपये तो ब्याज के तौर पर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें एक साल में मिली कितने रहे हैं, 200 रुपये, तो 200 से इसको भाग कर दीजिएगा, तो 200 से इसको भाग करेंगे तो 2 × 8 यानी कि 4 वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष लगेंगे यहाँ पर 2500 को 3300 रुपये होने में 8% के हिसाब से। नेक्स्ट, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा, 500 रुपये की बात आ रही है, कितने की, 500 रुपये की बात आ रही है, 6 महीने का 8% के हिसाब से, ठीक है, 8% के हिसाब से छमाही दर से कितना हो जाएगा 6 महीने का 8% के हिसाब से। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात देखिएगा, 6 महीने की बात की जा रही है और 8% की बात की जा रही है, तो यहाँ एक लॉजिक ये होता है दोस्तों कि अगर आपको समय बढ़ाना है, 6 महीने का मतलब अगर 1 साल करना है, 1 ईयर करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर दर उसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4, तो बस यहाँ पर यही करना है आपको, या फिर आप एक काम कीजिएगा 8% को पूरा लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना लिखना है हमें 8%, ठीक, 8% ऐसे निकालोगे, 6 महीने मतलब 6/12 कर देंगे इसको, तो इससे तो ये कट जाएगा 2 बार, 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएगा, और 2 से ये वाला कटेगा 8, 4 बार, बचेगा कितना, 5, और मल्टीप्लाई में बचेगा 4, तो यहाँ पर 5 × 20 आप इसका आंसर लगा सकते हो, इसका जो सही आंसर होगा वो 20 रुपये मिलेंगे हमें 500 रुपये के 6 महीने का 8% के हिसाब से। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो अगर इस तरीके से कोई साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे, आप ये समझिएगा 10 रुपये 12 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज के तौर पर 2 रुपये मिलते हैं, कितने पर, 10 रुपये पर। अगर इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो बस इसमें क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 10 से ये 100 कटेगा 10 बार, बचेगा कितना आपके सामने, 2 × 10 बचेगा, 2 की और 10 की अगर आप गुणा करते हैं तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 20%, तो सही आंसर जो होगा इसका वो होगा 20%, कितना होगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक दी जाए तो 1000 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1000 रुपये आपका 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला यहाँ पर, सिंपल जो ब्याज मिला आपका वो 200 रुपये मिला 2 सालों में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 ईयर में जो मिलेगा आपको ब्याज वो मिलेगा 100 रुपये।
ठीक कितना मिलेगा 100 रुपये, कितने पर 1000 रुपये पर। अगर हमें 100 रुपये मिल रहा है तो अगर परसेंटेज हमें ज्ञात करनी है तो कैसे हो जाएगी परसेंटेज, सीधी सीधी आ गई 10%, यानी कि जो हमें पहले के रेट मिल रहे हैं वो 10% मिल रहे हैं। आगे कह रहा है अगर 4% रेट बढ़ा दें तो आफ्टर की अगर आपको ज्ञात करनी है, आफ्टर में जो आपकी दर हो जाएगी तो 10% पहले से मिल रहा है, 4% और अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 14%, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14%। अब 14% से 1000 रुपये का 3 वर्षों में निकालना है, तो जो वर्ष होते हैं अगर साधारण ब्याज की बात आए तो जो वर्ष होते हैं उसकी अगर हम सीधी परसेंटेज में गुणा कर दें तो कुल प्रतिशत आ जाता है, तो कुल प्रतिशत आ जाता है आपका कुल प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14% की आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, समय की दर से मल्टीप्लाई करोगे 14 * 42, यानी कि हमें 42% निकालना है, 42% अधिक मिला करके निकालना है, तो 100% दे रखा है 1000 रुपये, ये तो बुझाए कि 1000 रुपये कितने हो जाएंगे, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा 142%। तो 142% के लिए क्या करेंगे हम 1000 × 142 और अपॉन में क्या कर देंगे हम इसके सीधा सीधा 100, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 की से मल्टीप्लाई करेंगे 1420, कितना हो जाएगा 1420, यानी कि 1420 इसका सही आंसर होगा, कितना होगा 1420 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, तो 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ ब्याज की बात करें कि ब्याज कितना हो रहा है, तो 2100 रुपये यानी कि 2352 में से अगर आप 2100 घटा देते हैं तो आपका वो ब्याज आएगा, ब्याज कितना रहा 200, देखिएगा ब्याज कितना रहा 252 रुपये, और ये 2 ईयर का है, कितने ईयर का है ब्याज ये 2 ईयर का है। अगर आपको 1 ईयर का ब्याज निकालना होगा, 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से भाग कर देंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 4, 2 × 6 = 12, कितना आएगा ये 126 रुपये आएगा, कितना आएगा 126 रुपये 1 साल का। अब 126 रुपये 1 साल का हो जा रहा है तो आपको सबसे पहले दर ज्ञात करनी है, पहली वाली दर कितनी थी, 126 रुपये मिल रहे हैं आपको 2100 रुपये पर, तो दर कितनी हो जाएगी ये निकालना है आपको, तो 100 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अब इससे इसको काटेंगे सीधा सीधा, तो कितने से कटेगा ये 3 से 3 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 7 × 6 = 42, कितना परसेंट मिल रहा है आपको 6% की दर मिल रही है। तो जो न्यू वाली रेशो होगी या न्यू वाली आपकी आर होगी वो 1% कम की बात कर रहे हैं, 6 में से अगर आप 1 को माइनस कर देंगे तो आपका बैठेगा 5%, कितना बैठेगा 5% बैठेगा, तो नया ब्याज क्या होगा। लेकिन 5% 1 साल के लिए है, अगर हमें 2 साल का निकालना पड़ेगा तो 2 ईयर कितना हो जाएगा, अगर आप 2 साल का निकालोगे 2 ईयर, तो 2 ईयर के लिए आप क्या करेंगे इस 5% में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 यानी कि 10% आएगा, कितना आएगा 10%। तो अगर 2100 का आप 10% निकालोगे तो 210 रुपये होगा, कितना होगा 210 रुपये, आप इस तरीके से कर सकते हैं 2100 + 210 रुपये अगर कुल निकालना हो तो, नहीं तो आपके सामने केवल पूछा है कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा यहाँ पर 210 रुपये होने वाला है ब्याज। नेक्स्ट देखते हैं, 800 की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पुरानी दर निकालनी पड़ेगी, और पुरानी दर के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ब्याज, तो ब्याज कितना हो रहा है 920 में से आप 800 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 120 रुपये आएगा, और 120 रुपये 3 साल का है, और अगर आपको 1 साल का ब्याज निकालना है तो आपको 120 को भाग करनी पड़ेगी 3 से, कितना आएगा यहाँ पर निकल के 3 × 12 यानी कि 40, कितना आ जाएगा 40 रुपये आ रहा है ब्याज। तो अगर आपको रेट निकालना है वो पुराना वाला तो आप क्या करेंगे 40 रुपये मिल रहे हैं 800 रुपये पर, ठीक है परसेंटेज में चेंज कर लो इसको, तो 100 से तो 0 कट जाएंगे, 8 × 5 = 40, यानी कि जो पहली वाली ब्याज दर है, पहला वाला जो रेट है वो 5% का है, आगे 3% और बढ़ा रहे हैं, तो जो न्यू वाला आपका रेट है, न्यू वाली दर है आपकी परसेंटेज, वो हो जाएगी 5% + 3%, 5% और 3% मिलकर के कितना हो गया दोस्तों 8%। अब 8% के हिसाब से देखना है समान अवधि के लिए, कितने 3 साल के लिए, तो 3 ईयर के लिए अगर आप बात करेंगे तो 3 ईयर के लिए आपका सिंपल हो जाएगा 8%, ठीक है, और 8% में आप जोड़ देंगे यहाँ पर सीधा सीधा कितना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल के लिए, 8 * 3 = 24%, आपको सिर्फ 24% ब्याज मिलेगा 3 सालों में जाकर, कितने रुपए पर 800 रुपये पर, यानी कि 100% जो है आपका वो 800 रुपये है, लेकिन हमें निकालना यहाँ पर 124%, कितना 124% कितना होगा 800 × 124, कितना 100 से इसको काट देंगे, 8 की गुणा कर देंगे आप 124 में, 8 × 32 हासिल लगे 2, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 18 हासिल लगा 1, 8 × 8 = 9, 982 रुपये हो जाएंगे 982, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन से ये, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। ठीक है, 8% ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में कितना हो जाएगा ये निकालना है, कौन सा धन। तो 8% की बात कर रहे हैं और 4 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 8 चौक 32% तो उसमें क्या शामिल है दोस्तों, 32% तो ब्याज शामिल है, इसका मतलब 132% दे रखा है आपको 6600 रुपये, और आपको निकालना है 100% बैक में जा करके। तो आप क्या करेंगे, 6600 × 100 और अपॉन में कितना कर देंगे यहाँ पर 132, कितना कर देंगे आप उनमें 132। अब इसको काटेंगे, 6 से ये कटेगा दोस्तों कितनी बार, 1100 बार, और 6 से ये कटेगा 6 दुनी 12 22 बार। अब ये 11 से कटेगा 100 बार और 11 से कटेगा ये 2 बार, 2 से ये कटेगा 50 बार। तो जो बची आपके सामने अमाउंट वो बचेगी 50 × 100, कितना आ जाएगा 50 × 100 5000, कितना आ जाएगा 5000, यानी कि जो वो वैल्यू है वो कितनी है आपके सामने 5000 वैल्यू कितनी है 5000। थैंक यू। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में क्या है, अगर आप सवाल की लैंग्वेज पे पकड़ कर जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से मैथ समझ में आएगा। तो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 3 वर्ष में 956 हो जाता है, यानी कि 956 रुपये में से अगर आप 800 रुपये घटा देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ब्याज के तौर पर आ जाएगा 156 रुपये। मतलब ये जो 156 आया है ये आपका ब्याज आ गया, ठीक, एक साल का ब्याज आ गया। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो सबसे पहले पहले वाले ब्याज की दर आप ज्ञात कर लोगे तो 156 रुपये मिल रहे हैं आपको 800 रुपये पर। और अगर आपको दर में कैलकुलेट करना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 से 20 कट जाएंगे, 8 से इसको काटेंगे, 8 × 8 बचेंगे कितने दोस्तों यहाँ पर, सिंपल देखिएगा, 8 × 8 2 और 7 बच गए, हो गए कितने यहाँ पर 76, 8 × 9 कितना होगा देखिएगा, 8 × 8 यहाँ पर एक निश्चित साधारण ब्याज के 3 वर्षों में, और ये 3 वर्षों की भी बात कर रहा है, तो 156 जो आया है दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखेंगे ये 3 वर्षों का आया है। अगर आपको इसको 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको भाग कर देंगे 3 से, किसको 156 को। 1 वर्ष का अगर आपको ब्याज चाहिए, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो आएगा 156 बटे दोस्तों कितना 3 से इसको काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 वर्ष का जो ब्याज आया वो 52 रुपये आया, कितने रुपये आया 52 रुपये। अब यहाँ पर दर ज्ञात करेंगे तो पहली वाली दर अगर आपको ज्ञात करनी है तो 52 रुपये का ब्याज मिल रहा है 800 रुपये पर, कितने पर 800 रुपये पर। अगर इसकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है तो इसको क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, 4 से ही कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा ये 13 बार, यानी कि जो पहली वाली ब्याज दर है वो है 13/2%। अब 13/2% का मतलब हो जाता है सीधा 2 × 3 = 12.5, 6.5% है पहली। तो नई ब्याज दर कितनी होगी, जो न्यू वाली ब्याज दर आपको निकालोगे तो नई ब्याज दर हो जाएगी, इसमें क्या कह रहे हैं वो 4% बढ़ा दे रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी वो 10.5%, कितनी 10.5% हो जाएगी। और अगर ऐसा कर दें तो 800 रुपये का 3 वर्षों में कितना कितने रुपए हो जाएंगे ये भी ज्ञात करना है। तो अगर बात की जाए 10.5% की, यहाँ पर सिंपल से ब्याज मिल रहा है, तो 800 रुपये का अगर आपको ब्याज निकालना है 10.5% के हिसाब से, तो ये हमने परसेंटेज निकाल लिया, और कितने साल का चाहिए हमें 3 साल का चाहिए, तो 0 से 0 कट जाएगा सिंपल। अब इसकी आप क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 8 ऐसी आएगा, 3 × 5 = 15, फिर कितना आएगा 3 × 3। अब इसकी और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 5 = 40, हासिल लगे कितने 4, 8 × 8 8 और 4 कितना होता है 12, हासिल लगा फिर 1 × 8 = 24 और 1 = 25, 252 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे। अब इसमें अगर कुल बात आ जाएगी तो कितना आएगा देखिएगा, कुल का मतलब हो गया ये जुड़ जाएगा, किस में जुड़ जाएगा, अगर आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर मिश्रधन निकालना है ना, मिश्रधन, तो मिश्रधन के लिए क्या होगा जुड़ जाएगा इसमें अब 800 रुपये, 800 + 252, इस तरीके से जाकर के आएगा 1052 रुपये, कितना आएगा 1052 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। इस सवाल को अगर ये आप समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक।